अभी अगर चैनल की बात करें तो मैंने 1000 से ऊपर चैनल तो बना दिए हैं, बट जो एक्टिव चैनल चल रहे हैं वो करीब 100 से इतने करीब प्लस होंगे जो हमारे एक्टिव चल रहे हैं। लाइक जो हमारे चैनल का जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई कमाते कितना हो, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं यूट्यूब के शहंशाह। दोस्तों इनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 12-13 प्ले बटन्स है, जिसमें गोल्ड प्ले बटन भी है, सिल्वर है और डायमंड प्ले बटन भी है। दोस्तों ये जो चैनल चलाते हैं इनको आपने फेस इनका नहीं देखा होगा, ये फेसलेस चैनल चलाते हैं और इनके पास अराउंड 100 से भी ज़्यादा चैनल्स हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी जर्नी के बारे में और साथ ही साथ इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे इन्होंने इतना तबड़तोड़ इतने चैनल्स बनाए और सब पे मिलियंस व्यूज़ आते हैं, सब पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने क्या यूट्यूब से कोई सेटिंग कर रखी है या फिर इन्होंने कोई ऐसा हैक निकाल लिया है जिससे ये यूट्यूब पर राज कर रहे हैं। तो प्रवजीत भाई स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पर इनवाइट करने के लिए, और मैं अपने आप को एक सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को कि आपके साथ पहला तो पहली बार आपके दर्शन हुए हैं और दूसरा कि ये इस आप भी हमारे से कम नहीं हो, आप भी सबसे बड़े यूट्यूबर हो। और मुझे लगता था कि मेरे पास 6 प्ले बटन है तो मेरे पास सबसे ज़्यादा है, बट ये मेरा भ्रम था, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्ले बटन भाई के पास है। नहीं नहीं ब्रदर, ये तो देखिए आप भी काम करते हो, ऐसे ही करते जाओ तो आप भी मेरे से एक दिन हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये अचीवमेंट ऐसी होती है, ये हमारी जो टीम काम करती है उन सबका एक कंट्रीब्यूशन है, हर किसी का, ठीक है, हर किसी की मेहनत है, ये जरूरी नहीं है मैं एक आदमी काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है प्रभजीत और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब के जलंधर शहर का छोटे से गाँव में, वहाँ पे एक शहर है गुरदासपुर। अपनी जो यूट्यूब की जर्नी थी, मैं जब लवली यूनिवर्सिटी में आया था तो वहाँ मैंने लवली यूनिवर्सिटी में अपनी जो मेरे खर्च थे, मैं कॉलेज के जो खर्च थे उसको निकालने में मुझे मुश्किल आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंटरनेट पे मनी मेकिंग आइडियाज़ देखा जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था। मैं अगर अपनी बैकग्राउंड भी देखूं, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं, तो यहां पे जो एक ऐसा नहीं पीछे से मुझे सपोर्ट मिला कि जो मैं आगे उसको हैंडल करूं, जहां कोई पीछे बिजनेस कर रहा है, जहां किसी मेरा बड़ी कुछ इतनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं जिसको मैं हैंडल करूं, नहीं, पीछे बैकग्राउंड बहुत पुअर था। तो आगे थोड़ा सा मुझे कॉलेज की फ़ीस निकालने के लिए भी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा और कुछ अपने खर्चे निकालने के लिए भी मुझे थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ा, और स्ट्रगल करते करते पता नहीं चला कहाँ के कहाँ चले गए, वो ही बातें होती हैं। तो ऐसे मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, तो प्रभजीत भाई ये बताइए कि आपने शुरू किया तो लाइक फेसलेस चैनल क्यों शुरू किया, क्या रीज़न था इसके पीछे? देखिए मुझे तो सबसे पहले ये है कि अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में YouTube पर 60-70% जो कंटेंट है वो फेसलेस है, आप बिलीव नहीं करोगे। 60-70% यूट्यूब पर कंटेंट फेसलेस हैं, और फेसलेस कंटेंट आप बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल ले लीजिए, जी न्यूज़ ले लीजिए, बीबीसी न्यूज़ हिंदी ले लीजिए, उनका भी 40-50% जो कंटेंट है वो फेसलेस है। वाई? बिकॉज फेसलेस जो कंटेंट है वो बड़ी जल्दी बन जाता है, जब इतनी जल्दी न्यूज़ आता है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो वो बड़ी जल्दी से उसको क्रिएट किया जाता है। कहाँ पे आदमी आएगा कैमरे के सामने, उसको शूट करेगा, अपने कपड़े वगैरह सामने मेकअप करेगा पूरा, उसको कैमरे के सामने आएगा, बनाएगा वीडियो, फेसलेस वीडियो आधे घंटे एक घंटे में बन जाता है। वहाँ दूसरी वीडियोज़ होती हैं फेस कैम, वो एक दो घंटा ले लेगी, 3 घंटे। तो फेसलेस इसलिए जो 60-70% जो YouTube पे कंटेंट है वो फेसलेस वीडियोस है, तो मैंने इसका पोटेंशियल देखा और मैंने 100% फेसलेस कंटेंट पे चैनल बनाना शुरू कर दिया। और जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो 2011 की बात है, जब मैंने सबसे पहले YouTube चैनल स्टार्ट किया 2011 में, जब मैं काम करता था तो मेरा जो पहला इनकम था वो $5 था, $5 मैंने बनाया, और दूसरे मंथ मैंने $10 बनाया, ऐसे तीसरे मंथ में $300, डॉलर पे डॉलर बनता गया, पता नहीं चला कैसे फिर कहाँ पे कहाँ पहुँच गए, और इस और आज लाखों में डॉलर्स बन रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला कि यार इस तरीके से काम करूँगा ना तो मेरी वीडियोस वायरल होंगी और हिट होंगी, वो क्या पॉइंट था?
हाँ देखिए, हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है, तो हम अपनी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं, मिस्टेक करते हैं सीखते हैं, बार बार करते हैं बार बार सीखते हैं। मैंने 10 साल में अभी तक मिस्टेक कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ, बट उनसे भी सीखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। तो जो हमारे चैनल्स थे, हमने 2015 में 14 में काफ़ी काम किया है हिंदी ऑडियंस पे। जब मैं पहले इंग्लिश ऑडियंस पे काम करता था, 2014 के बाद मैंने हिंदी ऑडियंस पे काम किया, मैंने पोटेंशियल देखा, इतना अच्छा पोटेंशियल था हिंदी वीडियोस का। मेरे चैनल #1 पे ट्रेंडिंग रहते थे। आपने सोशल ब्लेड निकालोगे टॉप 100 यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले टी सीरीज, उसके बाद जी म्यूजिक, ऐसे ऐसे आपको चैनल दिखेंगे। बट आप बिलीव नहीं करोगे, #1 ट्रेंडिंग पे, वहां पे #1 पे मेरा चैनल था टॉप ब्रेकिंग न्यूज। उस टाइम की अरे बात है। क्या तो बात है, टॉप क्या ब्रेक, बात है। हाँ टॉप ब्रेकिंग न्यूज, जैसे सलमान खान का कोई ट्रेलर आता है मूवीज का, जैसे सलमान खान का उस टाइम में ट्रेलर आया था 2014-15 में, दबंग मूवी का ऐसा कुछ ट्रेलर था, तो वो उनका ट्रेलर सेकेंड नंबर पे था ट्रेंडिंग में, हमारी वीडियो फेसलेस पहले नंबर पे थी। तो इस क्या बात तरह है, से वो काफ़ी कंटेंट वायरल हुआ और हमें इसका पोटेंशियल का पता चला कि ये बहुत हाई पोटेंशियल है हिंदी ऑडियंस। और क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद, इस जो बाहर के लोग हैं, चाइनीज़ हैं, फिलीपींस हैं, तो अमेरिकन है, वो हिंदी सीखना चाहते हैं, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हमारी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, और हम उल्लू के पट्टे हैं जो दूसरी दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं। मैं क्या कनाडा बात में है। आकर बैठा हूँ। प्रभजीत भाई मुझे एक चीज बताइए, लाइक आपने एक चैनल शुरू किया होगा, उसके बाद एक चैनल आपका हिट, फिर दो, फिर तीन, तो ऐसे आपने अभी तक कितने चैनल बना लिए हैं? देखिए, मैंने जब एक पहला चैनल शुरू किया तो मुझे पोटेंशियल पता चल गया कि इसका काफ़ी पोटेंशियल है यूट्यूब का। तो मैंने इसी, क्योंकि आदमी का ग्रीड लेवल होता है, लालच होता है, वो तो रुकता नहीं है, तो मुझे एक चैनल हाँ से अच्छा प्रॉफिट आने लगा, मैं दो बना लिए। दो से अच्छा आने लगा, मैंने कहा अरे इसको वाह, चार करते हैं, चार से अच्छा होगा, मैंने इसको कहा 10 करते हैं, यार ये तो आर पार कर देना है, अब तो अंबानी बन जाना है। तो मैंने 10 के 20 कर दिए, फिर ऐसे पता नहीं चला कि भाई कब। मैंने अभी अगर चैनल की बात करें तो मैंने 1000 से ऊपर चैनल तो बना दिए हैं, बट जो एक्टिव चैनल चल रहे हैं वो करीब 100 से इतने करीब प्लस होंगे जो सौ हमारे से एक्टिव ज्यादा चल रहे चैनल्स, हैं। हाँ, अरे डिफरेंट बाप रे। डिफरेंट निच पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट निच हैं, जैसे फैक्ट के चैनल हो गए, इंफॉर्मेशन चैनल हो गए, न्यूज़ ट्रेंडिंग न्यूज़ आती है उस पे चैनल है, कुछ इमिग्रेशन के क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके चैनल भी हैंडल करते हैं, कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हम, तो रियल स्टेट के कंसल्टेंट है वो भी इसमें, क्योंकि जो यूट्यूब पे सबसे हाई प्रॉफिटेबल निच है वो रियल स्टेट की है। दो तरह के यूट्यूब पे ओके चैनल होते हैं, दो तरह के यूट्यूब पे चैनल होते हैं। पहला होता है सर्विस ओरिएंटेड चैनल, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में इंफॉर्मेशन साथ में सर्विसेज, जैसे जैसे इमिग्रेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो ये सर्विस ओरिएंटेड चैनल है। दूसरे चैनल होते हैं जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होते हैं, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है, जस्ट इंफॉर्मेशन, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जैसे जी न्यूज़ हो गया, जैसे बीबीसी न्यूज़ हो गया, लंदन टॉप हो गया, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वैसे चैनल होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्या हुआ कि पहले आपने 10 साल का अगर डिजिटल लैंडस्केप देखें तो पिछले 10 साल में आपने नोटिस किया होगा कि पहले 99% जो ट्रैफिक होता है वो कहाँ से आता है, वो पीसी से आता था। कहाँ पे जाता था, वेबसाइट पे जाता था। 99% ट्रैफिक पीसी से आता है और वेबसाइट पे जाता है। पहले के टाइम अभी के पे। टाइम, हाँ अभी के टाइम की बात करूं तो 99% ट्रैफिक कहाँ से आता है, मोबाइल से आता है। आजकल लोगों के मोबाइल पास से आता है। स्मार्टफोन है, मोबाइल से आता है, और कहाँ पे जाता है, वो जाता है वीडियोस वीडियोस की पे। तरफ। 90% ट्रैफिक कहाँ पे जाता है, वीडियोस की तरफ। हबस्पॉट की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो थी कि आदमी 5 से 7 घंटे डेली स्पेंड करता है मोबाइल पे, 5 से 7 घंटे डेली स्पेंड करता है मोबाइल पे, ये सीक्रेट नहीं है, ये उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो 5 से 7 घंटे वो एवरेज स्पेंड करता है मोबाइल पे, वो कहाँ पे घूमता है, उस 360 डिग्री घूमता है। कहाँ पे, पहले व्हाट्सएप पे, फिर फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे, फिर इंस्टाग्राम पे, इन्हीं 360 डिग्री घूमता है, यहाँ पे अपना 5 से 7 घंटे स्पेंड राइट करता राइट है। अगर पैसा बनाना है कहाँ से बनेगा, इन्हीं प्लेटफॉर्म से बनेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स,
फेसबुक पे वीडियोस, तो उनकी रिपोर्ट के उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 90-95% वीडियो ट्रैफिक इज कैप्चर्ड बाय इंटरनेट ट्रैफिक इज कैप्चर्ड बाय वीडियोस। तो ये वीडियो मार्केटिंग एक फ्यूचर है जिसको मैंने 10 साल पहले ही एनालाइज कर लिया था, ब्लॉगिंग छोड़ दिया था कि ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं दिमाग में रखना, वीडियोस मार्केटिंग इज द फ्यूचर, वीडियो पे काम करो, आने वाला इसी अगर इसी की देखे तो इसमें वीडियो मार्केटिंग में भी एवोल्यूशन हो रहा है। पहले लंबी वीडियो चलता था, आज शॉर्ट चलने लगा, बिकॉज लोगों को सब कुछ फास्ट चाहिए, इंस्टेंटली, फास्ट मैगी, फास्ट नूडल, फास्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट डाटा। डाटा इंफॉर्मेशन जो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक इतना अमीर बना है, हमारा डाटा बेचकर ही बना है। तो अभी आप वीडियोस कहाँ कहाँ पे पोस्ट करते हैं? अभी हमारा फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे चलता है। फेसबुक पे भी हमने फेसबुक पे भी हमारा 50-60 मिलियन ऑडियंस फॉलोवर है, ऑडियंस जिसको बोलते हैं। हम एड्स, फेसबुक एड्स चलती है हमारा, क्योंकि ये देखिए यूट्यूब से कैसा पैसे बनेगा, यूट्यूब से बनता है एडसेंस, तो फेसबुक से कैसे बनेगा, फेसबुक पे चलता है एड ब्रेक, जिसको कहते हैं एड ब्रेक, इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं जिसको। हाँ। तो फेसबुक जो है, फेसबुक को पता है कि मैंने यूट्यूब से क्रिएटर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है तो मुझे उसे अच्छा आरपीएम देना पड़ेगा। आरपीएम मीन रेट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 पे कितना पैसा मिलता है। अगर मैं उसको अच्छा पैसा दूंगा फिर ही वो यूट्यूब छोड़कर मेरे पास आएगा, वो अच्छा आरपीएम देता है। बट हम लोग ऐसे हैं क्योंकि पता है कि फेसबुक नया है, इतना मच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है जितना यूट्यूब है। तो यूट्यूब एक सर्च इंजन है, फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, ये थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वहाँ पे वीडियोस भी बहुत वायरल जाती है फेसबुक पे, ये नहीं है कि अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। हमने ना मैं आपको बताता हूँ, 4 साल पहले मैंने 30 लाख इन्वेस्ट किया था फेसबुक पे, एड्स वगैरह चलाई थी, और एड्स वगैरह चला के हमने 50-60 मिलियन ऑडियंस बना दिया। बट ऑडियंस तो बना दिया, बट अभी भी वो हमें महीने का 2-3 लाख रुपए निकाल ही देता है कई बार। ओके ग्रेट। तो मैं जानना चाहूँगा कि लाइक इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास कितनी बड़ी टीम है, लाइक कितने टीम मेंबर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और 100 चैनल्स प्लस फेसबुक पे वीडियोस डालना और प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगता होगा, तो कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ देखिए सतीश, अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो मेरे साथ 40-50 लोग काम कर रहे हैं इंडिया से। तो मैं अभी इतना टाइम हो गया मुझे काम करते, तो अभी मैं फैमिली रन करता हूँ लोगों की, ठीक है ना। मेरा वो कैपिटलिस्ट माइंड नहीं है कि भाई 10 लाख कमाया और 10 लाख में से 1 लाख उनको सैलरी दे दी, 9 लाख मेरी जेब में पॉकेट में, वो वाला काम नहीं है। मेरा काम होता है कि भाई 10 लाख कमाया है, चलो 7 लाख तो सैलरी में, 8 लाख चला जाता है ऐसी। तो अभी वो नहीं है, तो हम फैमिली रन करते हैं। मुझे पता है कि मेरे साथ 50 लोगों की जो टीम है उनकी फैमिली है, वो भी मैं रन करनी है। तो अभी काम का जो फोकस है, इसलिए बैठना पड़ता है, मोटिवेट अपने आप को रखना पड़ता है कि वी आर कनेक्टेड विद अनदर फैमिली इज आल्सो कनेक्टेड विद मी। तो अभी अगर मुझे अगर मेरी स्ट्रेटजी फेल होगी तो इतनी फैमिली जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो भी फेल हो जाएगी। तो मुझे उनको भी सपोर्ट करने के लिए, वो जो लोग काम करते हैं, जैसे हमारे पास टीम होता है, वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, वॉइस ओवर, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ये सभी जो हैं जो हमारे साथ काम करते हैं एक टीम की तरह करते हैं। मेरे साथ झारखंड से भी लोग काम कर रहे हैं, मेरे से पंजाब से भी लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली से भी काम कर रहे हैं, और जयपुर से भी काम कर रहे हैं। तो हम एक कभी भी किसी से मिले नहीं है, तो ये वर्चुअली कनेक्टेड है। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 5-6 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और वर्चुअली कनेक्टेड है, कभी हम एक दूसरे से मिले नहीं, टाइम नहीं लगा, पता नहीं क्या है सिस्टम, इतना ट्रस्ट बना है, तो आपस में काम अच्छा है तो हम उसको लोगों को ले जाते हैं। क्या बात है, अवसम गाइस, इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए प्रभजीत भाई, लाइक इतना मेहनत भी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में लाइक लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी इतनी अच्छी सोच है इनकी, तो इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए। ओके प्रभजीत भाई, अभी तक ऑडियंस के माइंड में ये चल रहा होगा कि यार ये कौन सा चैनल चलाते हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो क्या कोई ऐसा चैनल है जो आप बताना चाहेंगे, जो पब्लिक रिवील करना चाहेंगे नाम? मैं आपको एक चैनल है मेरा, नॉलेज टीवी हिंदी, 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या बात है, अमेजिंग। इसके वीडियोस आपके भी फीड्स में कभी आए होंगे या फिर आपने फेसबुक पे कभी देखा होगा। तो ये चैनल के जो ओनर है हमारे भाई साहब हैं, और 12.5 मिलियन, लाइक आई थिंक इसका ही डायमंड प्ले बटन आपको मिला है।
जी, इसका टाइम एंड प्ले बटन मिला है ग्रेट मुझे। ग्रेट। हाँ तो मैं चाहूंगा कि आप उस तस्वीरें आप भेज देना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा प्ले बटन्स की, जो आपके अचीवमेंट्स है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में इनसे ज्यादा प्ले बटन किसी के पास नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी लाइक और कमेंट तो हो ही जाए। एंड क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास इंडिया में सबसे ज्यादा प्ले बटन है, इस बात पर क्या बोलना है आपको? इसमें देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा जो फोकस था वो ही पहले तो यही था कि काम पे फोकस करो, पैसा निकालो, ठीक है ना। डायमंड प्ले बटन ये कहीं पर भी नहीं, इससे कुछ नहीं, किसी का पेट नहीं बढ़ेगा, पैसे से फिल होगा। तो काम करते के पता नहीं चला पीछे दीवार कब फिल हो गई है, कितनी फिल हो गई। अभी भी काफ़ी चैनल हैं जिसका रिडीम ही नहीं किया हमने, अवार्ड्स वगैरह। अच्छा, तो क्यों हाँ, ऐसा? कुछ क्योंकि इसमें टाइम कई बार होता है कि कहाँ पे, कनाडा में हूँ, कई बार 6 महीने यहाँ पे रहता अच्छा, हूँ, ओके। 6 महीने इंडिया चला जाता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि उसकी एक, अभी यूट्यूब का एलिजिबिलिटी फैक्टर चल गया है, एलिजिबिलिटी भी मीट करनी पड़ती है। अगर एक बार अप्लाई किया तो 3 मिनट थे, एक एलिजिबिलिटी फैक्टर भी उन्होंने रख दिया कि एक सोशल ट्रस्ट होना चाहिए आपकी। सोशल कोई भी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे है, वहाँ पे भी कंटेंट को एक स्ट्रीमलाइन कीजिए साथ साथ में, छः अच्छा अच्छा महीने अच्छा 7 महीने वहाँ पर भी कंटेंट जाना चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी भी मीट करनी पड़ रही है हमें। ओके ओके, आज जितने भी अवार्ड्स देख रहे हो पीछे, ये सभी फेसलेस चैनल के हैं, और ये पिछले 2 साल ग्रेट। में ही कितने आए हैं कितने सभी। टोटल कितने अभी? अभी 20 से ज्यादा हमारे पास 20 से प्ले बटन ज्यादा? है, अरे क्या बात राइट। है, हाँ, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि फेसलेस जो चैनल्स होते हैं, ये इसको ये मत समझो कि इसमें फेस नहीं दिखाना पड़ा और ये कंटेंट वायरल जाएगा, ग्रो चैनल होगा या नहीं होगा। ये जो, अगर मैं जियो की बात करूं, जियो के आने के बाद एक हमारा रेवोल्यूशन आया है, इंटरनेट रेवोल्यूशन। इंटरनेट रेवोल्यूशन जियो ने तो धमाल कर दिया है। हम मोदी जी का, हम उसका क्या नाम है, अंबानी जी का अंबानी जी शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं भाई, ऐसा कुछ लेकर आए हो, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ लेकर आए हो जिससे सबका साथ और सबका विकास वाली बात हो रही है, सच में हो रही है। तो राइट हम राइट उनका राइट शुक्रिया करते हैं कि भाई, आपको, उनको नहीं मालूम होगा कि कितना फायदा हुआ है, बट क्या हुआ कि इंटरनेट यूजर जो था वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ जियो के आने के बाद। जब इंटरनेट यूजर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ तो इंटरनेट कंज्यूमर भी इंक्रीज हो गए, बट जो क्रिएटर थे, जो हमारी तरह क्रिएटर हैं, जो वीडियोस को बनाते हैं, वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं हुए, उनका ग्राफ देखोगे नहीं हुआ। तो कंज्यूमर इंक्रीज हुए, इतना जो एक डिमांड सप्लाई वाली बात होती है ना, वो इतना प्रेशर पड़ा, डिमांड इतनी कंटेंट की लोगों की है, कंज्यूमर की, बट सप्लाई जो हाँ, क्रिएटर है वो सीमित है, कम थे। वो, हाँ हाँ वो सीमित है, कम है। तो क्या हो रहा है, जैसे हमारे पहले 4 4 5 5 सब्सक्राइबर 1,000 आते थे, वो एकदम से 1 1 लाख आने लगे सब्सक्राइबर। तो कौन फायदा ले रहा है, हम जो लिमिटेड क्रिएटर हैं वो ही फायदा ले रहे हैं। तो हाँ क्या यहाँ पे आज भी देखेंगे तो क्रिएटर की काफी कमी है। अब देखो नेटफ्लिक्स का पिछले 4 साल में कितनी तेजी से ग्रो हुआ है, ऐसे सोनी लाइव आया है, जी, ऐसे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने आए हैं, सबके सब ऊपर गए हैं एकदम से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरनेट इंडियन ऑडियंस है, उसकी जो भूख है वो मिटाने के लिए ये क्रिएटर जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत कम है। अगर टिकटॉक आया था, 1 साल में कितनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर गया, यूट्यूब राइट को right, क्या रिस्क, बात है। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब को रिस्क पर गया भाई, ये तो कमाल करने लगा, इसको पीछे से बंद कराओ। उसने बंद करवाया, उसको बाहर निकाला, यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला अपना, ठीक है ना। तो ये, हाँ, तो ये चीजें हुई हैं, पता नहीं चलता बट बैकएंड में होती हैं ये चीजें कि भाई इसको बाहर निकालो, अपना शॉर्ट्स शॉर्ट्स जो 3 साल पहले निकाल लॉन्च करना था यूट्यूब ने, पहले ही इस 6 महीने में लॉन्च किया, जल्दी जल्दी करो भाई इसको। तो ये चीजें हुई हैं, और इतनी जो भूख है हमारी इंडियन ऑडियंस की इतनी ज्यादा है कि भाई क्रिएटर उतने नहीं है। भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए क्रिएटर नहीं है। तो क्या हो रहा है कि भाई, जिनके हमारे जो पिछले 5 साल में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी जितनी 2 साल 3 साल में हो गई जियो आने के बाद, इंटरनेट इतने आने के बाद यूजर। तो ये कहने का मतलब है कि जो ये 2011 में जो यूएस में चलता था, वो 2022 में 20 में अभी चल रहा है, इंडिया 21 में। में 22 इंडिया में। अभी जी न्यूज का निकाल लो, अब डाटा आप कोई वीडियोस निकाल लो बीच में फिल्टर करके, वो भी 40 से 50% यही कंटेंट डालते फेसलेस। कोई भी एंकर सामने नहीं आता। राइट कौन रशिया यूक्रेन की कंट्री में जाएगा, वहां पे वार हो रहा है, और एंकरिंग करने जाएगा, आप खुद ही सोचिए।
वो राइट, फुटेज सही बात। उठाते हैं, फुटेज उठा के वॉइस ओवर करके, युद्ध हो रहा है जी, यूक्रेन ने वो कर दिया, रशिया ने वो कर दिया, वॉइस ओवर करके डाल रहे हैं। तो अभी हम आते हैं प्रभजीत जी आपके चैनल पर, जो नॉलेज टीवी, आप हिंदी आपने जो बताया था, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस पे जो व्यूज़ है, लाइक इतना एकदम क्या बोल सकते हैं इसको कि एकदम तबड़तोड़, 20-20 मिलियन व्यूज़ है, 20 मिलियन, 18 मिलियन, 14 मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी, मतलब कैसे इतना बड़ा धमाका आप कैसे करते हो, आप जरा बताइए। देखिए, इसका सबसे मैं तीन टिप्स देना चाहूँगा, अगर नया हाँ यूट्यूबर कोई सीख रहा है, तीन टिप्स दूंगा उसको। पहला टिप्स ये दूंगा कि अपनी कंटेंट की क्वालिटी को अच्छा इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज यूट्यूब पर कंटेंट की क्वालिटी चलती है। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना लोग पसंद करेंगे, इंगेजमेंट अच्छा आएगा, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। उसके बाद है अपना CTR इंक्रीज कीजिए। CTR है ट्रिपल टी मेथड। पहले मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ ऐसी टर्म यूट्यूब की निकाली हैं जो कि मेरी पहली बार मेरे से सुनोगे आप। ट्रिपल टी मेथड हो रहा है, टॉपिक टाइटल थंबनेल। टॉपिक टाइटल थंबनेल पे काम करेंगे, आपका CTR इंक्रीज हो जाएगा। CTR इंक्रीज हो गया तो आप फिर क्या करोगे, आप फिर उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज करोगे। एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे करना है, आपने हाई क्वालिटी वीडियो बनाना है। हाई क्वालिटी वीडियो बनाओगे, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जब 8 मिनट से ऊपर की वीडियो डाली है, मल्टीपल एड्स डालो, आपका रेवेन्यू दरादर 10 गुना हो जाएगा। जितना क्या नॉर्मल बात। वीडियो किसी और की बना रही है, आपकी 10 गुना बनाने लगेगी वीडियोज। थर्ड टिप्स है वो ये है कि अपने जो चैनल है उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कीजिए, SEO कीजिए, उसकी प्रॉपर कीवर्ड्स का भी खेल होता है। जो दो तरह के चैनल होते हैं, ब्रॉड निच और नैरो निच। ब्रॉड निच जो कि बहुत मल्टीपल निच पे काम कर रहे होते हैं, हर ट्रेंडिंग पे काम कर रहे होते हैं, कुछ भी आया उसको कवर कर रहे हैं। नैरो निच मीन एक निच पे काम कर रहे हैं और उसी निच पे ट्रैफिक आ रहा है, उस पर कीवर्ड्स का खेल भी होता है। तो आप जरा बताएंगे कि लाइक जो कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी रहती है, कि लाइक आप कंटेंट को रिसर्च करना, टॉपिक को रिसर्च करना, आप कैसे करते हो, कैसे ढूंढते हो कि यार ये टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। हम पहले तो कंपटीटर को फाइंड करते हैं। देखिए, आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि हर चीज के कंपटीटर बैठे हैं, हर चीज बिल्कुल पहले पहले ही लोगों ने कवर करके रखी है। तो आप कंपटीटर फाइंड कीजिए। कंपटीटर के आइडिया जो, जैसी वो बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है उनका, तो उसको उसके ऊपर 3 से 4 आइडियाज आप सोचिए, दिमाग लगाइए, हेडलाइन टाइटल सोचिए, थंबनेल सोचिए, उस पर बना दीजिए। हमारा काम होता है बढ़िया। कि कंपिटिटर फाइंड करने, कंपिटिटर से हमें आइडिया मिल जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट का, हम उस पर रेप्लीकेट कर देते हैं 4-5 वीडियो। ऐसे हमें, ये है हमारा स्ट्रेटजी। कई बार हमारे दिमाग में हाँ होता है कि यार ये कंटेंट है तो वो किसी ने कवर नहीं किया, तो वो फिर हम एक नया आइडिया होता है हमारे दिमाग में उसको फिर, क्योंकि मेरी जो टीम है वो एक हाईली क्वालिफाइड टीम है, मतलब कि बहुत एजुकेटेड टीम है। स्क्रिप्ट राइटर हैं जो, वो PhD होल्डर हैं, ऐसे ऐसे 3-3, 4-4 लाख तो उनको महीने का सैलरी जा रहा है, स्क्रिप्ट राइटर को ही सिर्फ महीने का सैलरी जा रहा है स्क्रिप्ट लिखने का ही। तो ये एक नॉलेज टीवी हिंदी नहीं है, नॉलेज टीवी हिंदी के तरह हमारे और भी चैनल है काफी, जहाँ पे हमारा कंटेंट जा रहा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो उस पे। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो बैकएंड में हो रही हैं। फेसलेस मैं आपको बढ़िया। बताऊं, कोई छोटा काम नहीं है फेसलेस। मैं तो बड़े, जो बड़ी बड़ी वेल्स भी हैं यहाँ पे जो करोड़ों छापती है महीने के, मैं तो एक तला की मछली हूँ। मैं आपको बताऊं, छोटा मछली हूँ एक तला का। बहुत बड़ा ये गेम है फेसलेस चैनल का, और मैं एक छोटा खिलाड़ी हूँ इसका। और अगर बड़े खिलाड़ी जो हैं वो तो काफी बड़ा काम कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो एक चीज़ जिसे बताइए कि लाइक आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए नॉलेज टीवी हिंदी है या फिर ऐसे आपके और भी चैनल्स हैं, तो एक वीडियो आपको बनाना है तो प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आप पूरा बताएंगे, पूरे प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसको देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं आउटसोर्सिंग करता हूँ। मैं आउटसोर्सिंग, मेरी टीम है जो मैंने आपको बताया, मैं उनको आउटसोर्स कर देता हूँ। हम एक चैनल पे, हमारा मंथली एक्सपेंस होता है 20 से 25 हज़ार। जैसे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, और वॉइस ओवर होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, हमारा 25 से 30 हज़ार हमारा एक महीने का एक्सपेंस होता है। 25 से 30 हज़ार रुपये। नहीं ब्रदर सतीश, ऐसे इसमें होता है कि हम 20, आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट आउटसोर्सिंग की वेबसाइट होती है, Fiverr.com हो गया, SEO क्लर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, तो ये वेबसाइट जो होती हैं इस पे हम लोगों को फाइंड कर लेते हैं। कई बार हमारे इंडिया से जो लोग काम करते हैं उनको हम दे देते हैं काम ऊपर से। तो ये जो लोग काम करते हैं, ये हमारा 25 से 30 हज़ार एक्सपेंस होता है एक वीडियो
एक चैनल को चलाने में, और जो रेवेन्यू होता है वो कई बार हमारा 10 से 15 लाख चला जाता है, और डिपेंड करता है कि कितना अच्छा कंटेंट स्ट्रेटजी है, कितना अच्छा कंटेंट वायरल गया है, कितने व्यूज आए हैं। अगर ट्रेंडी पे थोड़ा सा काम हो तो वो अच्छा चला जाता है। ये डिपेंड भी करता है कि आपका कंटेंट स्ट्रेटजी कैसा गया है चैनल पर, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वीडियो प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, फिर उसके बाद हमारा काम होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद होता है वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर के बाद होता है वीडियो एडिटिंग, फिर थंबनेल बनते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है जो कि वीडियोस का प्रोसेस होता है। इसका कई बार क्या होता है, महीने में 30 वीडियो बना दी, कई बार महीने में 40 बना दी, हर वीडियो को बनाने का हमारा 1000 से 1500 एक्सपेंस आता है। अगर हम 30 वीडियो अगर हम 30 वीडियो भी बना रहे हैं तो मान के चलो 15 का कितना हो गया, 45 हो गया, 45,000 हमारा खर्च हो जाएगा 30 वीडियो बनाने में भी। 30 वीडियो बनाने में भी 45,000 खर्च हो रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि रेवेन्यू वो कई बार निकाल देता है, 8 से 10 लाख निकाल देता है। अमेजिंग। मुझे लगता है काफ़ी अभी एक्सपेंसेस जो हैं ज़्यादा नहीं है, कम ही है देखा जाए तो। हाँ, फेसलेस कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। जो दूसरा कंटेंट होता है जो कैमरे के सामने आना है, बिकॉज लोगों को फेयर ऑफ माइंड होता है यार कैमरे के सामने आना है, मुझे पूरा सेटअप होना पड़ेगा। फेसलेस वीडियो में ऐसा नहीं है, जस्ट स्टॉक वेबसाइट होती हैं, स्टॉक वेबसाइट जैसे स्टोरी ब्लॉक हो गया, और भी वेबसाइट होती हैं, पिक्सल की पिक्सल ऐप क्या नाम है ऐसा कुछ होगा, पिक्सल वेबसाइट। हाँ, तो इन वेबसाइट से हम स्टॉक फुटेज उठाते हैं, हमारे पास सब्सक्रिप्शन होते हैं हमारी टीम के पास, वो फुटेज उठाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं ऊपर से। कई बार होता है कि हम यूट्यूब से भी उठाते हैं कुछ फुटेज, वो भी चल जाते हैं, बट कुछ सेकंड के उठाने पड़ते हैं, वो भी चल जाते हैं। ओके। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि भाई फुटेज कहाँ से लाए, तो भाई ने जैसा कि बताया कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं जैसे पिक्सल्स के, स्टोरी ब्लॉक्स के, तो वहाँ से आपको फुटेजेस मिल जाते हैं और उसको ये लोग यूज़ करते हैं और बाकी वॉइस ओवर के साथ में मैच करके रन करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया आपने बता दिया कि आपकी प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है। अब मुझे बताइए कि चैलेंजेस क्या आते हैं, या फिर पहले कोई चैलेंजेस आते थे आपको काम करने में? जी हाँ, चैनल डिलीट हो जाना या फिर ऐसा? हाँ, पहले ना क्या होता था कि क्योंकि मैंने आपको बताऊं, हमने अपनी मिस्टेक से सीखा है। YouTube की जो कमेंट्री गाइडलाइंस होती हैं उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज जो YouTube की कमेंट्री गाइडलाइंस होती हैं वो एक डेली चेंज होती हैं, कई बार मंथली चेंज होती हैं, कई बार क्योंकि जैसे पीछे कोविड आया था तो कोविड की जितनी भी न्यूज़ लोगों ने कवर की हैं, कई लोगों ने इतना इंफॉर्मेशन डाली है कि उनके जो चैनल हैं वो शैडो बैन हो गए हैं। शैडो बैन भी एक टर्म होती है जो कि रिकमेंडेशन से, सुजेशन से चैनल को निकाल देते हैं। तो वो तो आप कमेंट्री गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। कई बार हमें भी इशू आया है कमेंट्री गाइडलाइन को, अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, उसको टाइमली जब भी कोई अपडेट्स आती है वहाँ पे, कोई भी नया वहाँ पे कमेंट्री गाइडलाइन में, तो हाँ रूल आता है, तो उसको देखिए कि आप उसको फॉलो कीजिए, बस ये चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे बहुत सारे चैनल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर कोई वॉइस नहीं होती है, सिर्फ म्यूजिक होता है और वो फुटेज होते हैं, स्टॉक फुटेज होते हैं, तो क्या ऐसे चैनल्स मोनेटाइज होते हैं? देखिए, सबसे पहला है कि हमने यूज़र जो है, हमारा व्यूअर है, उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। आप किसी तरह से भी उसको वैल्यू प्रोवाइड करें, उसको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो चलेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो आप देखिए आप किस तरह से उस यूज़र को, व्यूअर को आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो। आप देखिए, अगर सामने आ सकते हो कैमरे के, अच्छी वीडियो बना सकते हो, उस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करिए। आपका जो कंटेंट की क्वालिटी है, आपका जो कंटेंट है वो बेहतर है या नहीं है, वो आप नहीं डिसाइड करते, हम नहीं डिसाइड करते, वो करती है पब्लिक, जनता करती है, वो जनता करती है, वो पब्लिक करती है कि कैसा जाएगा, कैसा रिएक्शन देती है। तो वो अब कैसा वीडियो जाता है, हमारी फेसलेस वीडियो हमारे जाते हैं, अच्छे जाते हैं, तो हमें पता है कि वो चलेगा। अब वो वैसा चैनल है, उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसा चल रहा है, अगर वो अच्छा जाएगा तो ठीक है, वो भी जा सकता है। बढ़िया। तो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया ऐसे बिना वॉइस वाले कंटेंट पे? नहीं, अभी हमारी जो एक्सपर्ट कह सकते हैं कि किस चीज़ में हमें एक्सपीरियंस है, वो है फेसलेस चैनल, वॉइस ओवर वाला काम जो होता है उसी में हमारा एक्सपीरियंस है। हमने जितने भी चैनल रन किए हैं सिर्फ वॉइस ओवर वाले चैनल हैं, जिसमें लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फैक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ भी चैनल जो न्यूज़ भी कवर करते हैं, बिकॉज न्यूज़ चैनल भी जो यूट्यूब पर बहुत कम है,
तो हम वो भी इन्फॉर्मेशन साथ में ओके कवर okay. तो करेंगे। आप मुझे मुझे बताएंगे आपकी लाइक कुछ फेसलेस चैनल आइडियाज़ बताएंगे आप हमारी ऑडियंस को? हाँ, फेसलेस चैनल आइडियाज़ मैं तो काफ़ी बता सकता हूँ, मेरे दिमाग में तो 100 से ऊपर चैनल की लिस्ट बनी है। आप देखिए, आप सुबह आपने पुष्पा मूवी देखी होगी सतीश, मैंने भी देखी है, वही पुष्पा मूवी पे 20 वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी और $20,000 कमा भी लिया। क्या मैंने कैसे, पुष्पा मूवी आपने भी देखी, मैंने भी देखी, मुझे कंटेंट का आइडिया मिल गया वहाँ से कि पुष्पा मूवी पे चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है, ठीक है ना, तो क्यों चीन इसके पीछे पड़ा है, पुष्पा मूवी जो है क्यों साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं, बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक कंटेंट आइडिया बना के हमने क्या बात है, ऐसे ऐसे टॉपिक बना के वीडियो के हमने $20,000 निकाल भी लिया ट्रैफिक से। अमेजिंग, तो अमेजिंग, एक नंबर। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर क्रिएटर बनना है तो क्रिएटर की तरह सोचना भी पड़ेगा। सुबह उठे हो, चाय पी रहे हो, सभी चाय पीते हैं, तो बनाओ वीडियो सुबह खाली पेट चाय पीने के नुकसान, फिर उसके बाद नाश्ता कर रहे हो, भिंडी खा रहे हो, पराठी खा रहे हो, बनाओ वीडियो भिंडी के साथ, कभी ना खाई ये चीजें, नहीं तो क्या बात है? डोट डोट डोट, ठीक है। तो ये आइडिया है, कंटेंट आइडिया है कि किस तरह, अगर क्रिएटर हैं तो क्रिएटर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको आसपास अपने देखना पड़ेगा। ये तो कंटेंट आइडियाज हो गए, कुछ लाइक चैनल आइडियाज बताइए। चैनल आइडियाज भी इसी में है, अगर आप, मैंने कहा कि चैनल आइडिया तो अभी बॉलीवुड का है, पहले पुष्पा मूवी की बात की, वो बॉलीवुड का कंटेंट चल गया, वो फेसलेस वीडियो बॉलीवुड की। दूसरा, मैंने सुबह नाश्ते की बात की है, चाय की बात की है, तो वो हेल्थ का चैनल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो हमारी, आप सोशल मीडिया पे जाओगे वहां पे आपको 100 कैटेगरी मिल जाएगी, मोर देन 100 कैटेगरी मिल जाएगी, जो डिफरेंट डिफरेंट निच की है, एंटरटेनमेंट की, आर्ट्स की, ठीक है ना, हेल्थ की, मनी मेकिंग आइडियाज की, मनी मेकिंग आइडियाज काफी निच है वहां पे भी, तो फन की, कॉमेडी की, तो यहाँ पे बहुत आइडिया निकल जाते हैं अगर आदमी ने कुछ करना हो ना, तो वहाँ एक बात बताइए लाइक काफी सारे क्रिएटर्स हैं, काम कर रहे हैं, आपने इतना कुछ मतलब कर लिया, इतने सारे प्ले बटन्स और इतने मिलियंस पे व्यूज आते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं मतलब कि क्या यूट्यूब से कोई सेटिंग वेटिंग है आपकी? नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ये हमारे ना माँ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी दुआएं होती हैं, दुआएं लगती हैं उनकी, क्योंकि जब हम उनके हम जब सेवा करते हैं ना किसकी मन भावना में, तो वो हमें, हम जब सेवा करते हैं तो वो उनकी जो आशीर्वाद होता है ना, वो आशीर्वाद एक पावर होती है, शक्ति होती है, जो हमें लेकर जाती है आगे तक, मोटिवेट करती है। तो मेरी जो माँ है, मेरे जो फादर हैं, वो ही मेरे लिए एक पावर हैं, उन्हीं ने जो मुझे शक्ति दी है कि आगे जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती, चाहे हजारों मुश्किल आ जाएं, हमें भी कॉपीराइट आते हैं, हमारे चैनल भी बैन होते हैं, बट हम रुकते नहीं हैं। आदमी का 1,000 नुकसान होता है, ऊपर माथा पकड़ कर बैठ जाता है, 5,000 नुकसान ऊपर और कर लेता है, हम वो नहीं है। हम वो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये नहीं है कि भाई नुकसान हुआ है तो नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, और नुकसान मत करो, उसके पीछे आगे चलो। ओके, सो जैसे बताइए कि कोई बंदा नया चैनल शुरू कर रहा है, आपने इतने सारे चैनल शुरू करे हैं, उसको आगे तबड़तोड़ तूफान के जैसे आपने चलाया है, तो कोई नया बंदा शुरू करना चाहता है चैनल, तो नए चैनल को ग्रो करने में बड़ी दिक्कत आती है, व्यूज़ कम आते हैं, मोटिवेशन नहीं रहता है लोगों को, तो कैसे ग्रो करें, क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मोटिवेशन की बात की है तो मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि ये नहीं कि कोई मूवी देखी, गाना सुना, 5 मिनट के लिए मोटिवेशन आ गया, शुरू किया, 10 मिनट में निकल भी गया, वो मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन वो होता है जो आदमी को सोने ना दे, जो आदमी को रात को भी नींद ना आए, दूसरे दिन की कंटेंट स्ट्रेटजी दिमाग में चल रही हो कि क्या डालना है, सुबह क्या डालना है, वो मोटिवेशन होता है, जो आपको सोने ना दे, रात को कंटेंट स्ट्रेटजी बना रहे हो आप दिमाग में, तो मोटिवेशन जो होता है वो मेरे पास, मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने 1500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे दिया है, तो एक्शन लेने वाले कौन हैं? सिर्फ 1% 2% होते हैं। सही बात। जिनको पुश चाहिए, जो जिनके अंदर भूख होती है काम करने की, जिनके अंदर भूख नहीं है, बस देखने आते हैं क्या चल रहा है ट्रेनिंग में, कितना रेवेन्यू है, बस अपने काम में व्यस्त फिर। तो
एक्शनेबल जो बुक होती है वो 1% 2% लोगों को होती है। बुक निकालिए, देखिए करना क्या है, कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी बनाइए, काम कीजिए। मोटिवेशन जो है वो ये नहीं है कि भाई, मोटिवेशन हमें हमारी बैकग्राउंड से आता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बताया, मेरी माँ मदर थी वो मुझे 20 रुपये देती थी जब मैं कॉलेज जाता था। मुझे 20 रुपये देती थी, 10 रुपये ऑटो में जाने के, कॉलेज जब जाता था 10 रुपये ऑटो में आने के, बस। बस। और वो जो 20 रुपये देती थी वो, मैं अगर कॉलेज जाता था तो कॉलेज 3 घंटे पहले जाता था और आधा घंटा पहले आ जाता था वापस। इसका कारण क्या है, 3 घंटे क्यों पहले जाता था, लाइब्रेरी में बैठता था, इंटरनेट का यूज़ करता था फ्री का जो है, और यूट्यूब पे वीडियो डालता था। अरे क्या बोल रहे, और पहले कॉलेज से क्यों वापस आता था कि घर आकर फिर से यूट्यूब का काम करना है, टाइमली जाना है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो उस टाइम वो टाइम था, तो वही टाइम में आदमी जब बन जाता है, जब बर्बाद हो जाता है, कॉलेज टाइम वही टाइम होता है। तो मैंने एफर्ट किया, कुछ ना कुछ सोचा कि भाई हमारे पास बैकअप नहीं है, देयर इज़ नो बैकअप, दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू, यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है, तो क्यों ना इसी को नहीं है हमारे पास। क्यों फिर इसी को एक्सेल किया जाए जो चीज आता है उसी को एक्सेल करें। तो इसी तरह फिर मैंने उसी को एक्सेल किया, पता नहीं चला दीवार कैसे फिर पीछे बढ़ गई, ये पता नहीं चला। ओके, तो प्रभजीत भाई अब आते हैं हम आपके रेवेन्यू वाले पार्ट पे। जो हमारे चैनल का जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई कमाते कितना हो, तो हम आपसे सारे चैनल्स का रेवेन्यू तो नहीं पूछ रहे हैं, बट अगर आप किसी एक चैनल का रेवेन्यू आप अगर डिस्क्लोज करना चाहें तो मोटिवेशन के लिए। हमारा नॉलेज टीवी हिंदी ही है जो उसने $1 million उसने अचीव किया है पिछले लास्ट मंथ ही। और अगर सभी एक महीने में $1 million एक साल में $1 million, क्या बात है यार। हाँ। अमेजिंग, इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए। तो प्रभजीत भाई एक चीज बताइए, इतने सारे प्ले बटन्स आपने अचीव करे, इतने सारे चैनल्स आपने रन किए, इवन आपका ये जो चैनल नॉलेज टीवी हिंदी $1 million से भी ज़्यादा कर रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा था कि सतीश भाई आपका इंटरव्यू करेंगे? नहीं ब्रदर, मैंने कभी सोचा नहीं था। आपका जब मैसेज आया मैं तो एक्साइटेड हो गया भाई। अब मैसेज का मतलब ही यही है कि भाई आ जाओ, तुम चैनल पे आ जाओ, मुझे पता चल गया था। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया इतना, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप जैसे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, और आप लोग भी इंस्पिरेशन के सोर्स हो, काम करने का जो जुनून रहता है कि अरे और भाई हैं जो लगे हुए हैं तो हम भी और करते हैं, तो वो जुनून आता है देखकर आपको। सही, और सही जो आपके फेसबुक पे जो पोस्ट आते हैं ना, वो बड़े मोटिवेशनल होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं, और अपने आप में ना एक स्टोरी बयां करती हैं। जो भी तस्वीर आप डालते हो, इतने सारे प्ले बटन जो आपके पीछे लगे हुए हैं, एक स्टोरी बयां करती है। हार्डवर्क, ये मेहनत, ये जुनून का ये नतीजा, ये फल है, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रभजीत भाई टाइम देने के लिए, एंड आई होप कि ऑडियंस को आज के वीडियो में बड़ा मज़ा आया होगा, और भाई की स्टोरी वैसे ही इंस्पायरिंग है, तो आई होप कि आप लोगों ने फील किया होगा कि भाई के अंदर कितना जुनून है, एंड यही जुनून मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर हो, और आप लोग भी काम करो ताकि आप में से लोग हमारे चैनल पर फीचर हों और भी लोगों को इंस्पायर करें। ओके प्रभजीत भाई, जाते जाते आप मेरी ऑडियंस से अगर कुछ बोलना चाहें। देखिए मैं यही बोलूँगा कि जो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी चीज़ है, एक चीज़ पे फोकस करिए, और उसी पे फोकस करेंगे तो वही चीज़ ग्रो होगा। चाहे कोई भी चीज़ है, अगर इफ वी फोकस ऑन शिट, शिट विल ग्रो, इफ वी फोकस ऑन एनी सक्सेसफुल थिंग, वो ही ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ करेगी। आप एक अच्छी चीज़ पे फोकस कीजिए, चाहे ऑफलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, किसी पर भी। मैं YouTube पे था तो मैंने YouTube पे फोकस किया, अगर मैं किसी और बिजनेस में होता तो एक आदमी का जो फोकस लेवल होता है, इरादा होता है कुछ करने का, वो ये नहीं है कि YouTube पे ही करना है कुछ ना कुछ, किसी काम पे भी करिए, बट एक इरादा मन में लेकर जाइए, एक फोकस लेकर जाइए कि मैंने फाड़ देना है कुछ ना कुछ बस वो तो वही चीज़ें होती हैं, बस लेकर जाओ और तब तक ना रुको जब तक
मिल नहीं जाता कुछ। थैंक यू सो मच प्रभजीत भाई, और ऑडियंस में कहना चाहूँगा कि भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं आप तो इनका मैं फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच प्रभजीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इवन मैं खुद इतना एक्साइटेड था पूरे इंटरव्यू के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मन तो कर रहा है कि अभी बातें और करें, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को फीचर करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।